हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीआईटी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए काफ़ी कमाल की अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को EY माइक्रोसॉफ्ट और EICT के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली एक ऐसी ट्रेनिंग कम इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें ये 3000 लोगों को हायर करके ट्रेनिंग के साथ इंटर्नशिप प्रोवाइड करने वाले हैं। जी दोस्तों, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके हमेशा ये कमेंट रहते हैं कि सर हमें ना सीखते हुए इंटर्नशिप करना है, क्योंकि हमें ना उतनी ज़्यादा स्किल्स की नॉलेज नहीं है। तो आप लोगों के लिए एक बार फिर से मैं इसी तरह की अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों को मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है, प्रोजेक्ट करवाया जा रहा है, प्रोजेक्ट में आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, साथ में आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। ये सारा चीज़ वर्चुअल ऑनलाइन होगा, और आप में से अगर कोई भी इसे करना चाहे तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 3000 लोगों को यहां पे ये हायर करने वाले हैं। ये होगा दोस्तों 16 फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में। तो अगर आप इस बीच कभी भी 6 वीक देख के इस प्रोग्राम को करना चाहें तो आप अभी इसमें इनरोल कर सकते हैं। क्या प्रोग्राम है, कैसे इसमें इनरोल करना होगा, ये सारी चीज़ इस वीडियो में डिटेल में बात कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करिएगा। और आपके पास एक और चीज़ बता दूँ, इन्फोसिस की तरफ से इंटर्नशिप प्रोवाइड की जा रही है, 100% आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। मैंने डिटेल में बताया है उसके बारे में, हर एक स्टेप के बारे में समझाया है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें जरूर उसको देखिए और जल्द से जल्द अप्लाई करिए। अभी भी उसमें ओपन है इंटर्नशिप, 1 लाख लोगों को इंटर्नशिप मिलने वाली है, तो उसका मौका मत छोड़िएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं मैं, जहां पे मैं आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता हूं। तो हाल ही में कुछ दिनों पहले दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने कोलेबरेट किया था AICT, EY और मल्टी के साथ, जो कि आप लोग को जॉब रेडी बनाने वाले हैं। ये दोस्तों इस साल 1.5 लाख स्टूडेंट्स को, 1.5 लाख स्टूडेंट को डेटा, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसे लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी पे देने वाले हैं ट्रेनिंग और इंटर्नशिप, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट से ज्वाइन कर पाएंगे। और इसी के ऊपर दोस्तों इन्होंने ना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके बारे में आपको मैं अपनी डिटेल में बताने वाला हूं। तो प्रोग्राम का नाम आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं EY GDS EICT 6 वीक्स इंटर्नशिप, जो कि फरवरी से लेकर अप्रैल तक चलने वाला है। दोस्तों इसमें अगर बात कर लीजिए अप्लाई करने की, लास्ट डेट याद रखिए 25 फरवरी है, तो ऐसे में आपके पास लिमिटेड टाइम ही बाकी है, जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को आप बता दीजिएगा। ड्यूरेशन 8 वीक लिखा है, लेकिन 6 वीक्स अगर आप दे सकते हैं तो भी आप इस इंटर्नशिप को कर पाएंगे। दोस्तों याद रखिए किसी भी तरह की कोई फीस आपको इसमें पे नहीं करनी है, और आपको भी प्रोवाइड की जाएगी, मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। मैं आपको यहां पे बता देता हूं दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं डेटा एनालिटिक्स और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के ऊपर EY और AICT इंटर्नशिप आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि आप लोगों को आने वाले समय पे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी करने जा रही है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि इसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट भी डेवलप करवाया जाएगा, रियल वर्ल्ड के जो चैलेंजेस होते हैं उस पर काम करके आप इस पर है ना चीज़ों को सीख रहे होंगे। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो भी लोग इस पर पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें दोस्तों इनके द्वारा मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाने वाली है। या दोस्तों यहाँ पे आपको मेंटरशिप भी इनके द्वारा मिलेगी, और आपको यहाँ पे जॉब के लिए है ना रेडी भी बनाया जाएगा, जो कि आपको आगे आने वाले समय पे अच्छी करियर की ओर लेके जा सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ दोस्तों, तो जैसा कि देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो कि 6 वीक तक वीकली 6 to 8 आवर्स दे सकते हैं, मतलब दिन का आपको मुश्किल से 1 घंटा देना है, वो आप कभी भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इतना 6 वीक तक कर पाएंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने ये बताया हुआ है कि इसको इस अपॉर्चुनिटी को वैसे चाहे तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन पहले प्रेफरेंस किनको मिलेगा, जो BE BTECH के स्टूडेंट होंगे, जो BE BTECH के स्टूडेंट हैं है ना, ठीक है, जो फाइनल ईयर प्री फाइनल ईयर में हैं, BCA के हैं, BSc के हैं है ना, थर्ड ईयर के जो सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। वैसे दोस्तों मैं बता दूं अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन BE BTECH के प्री फाइनल और फाइनल ईयर के स्टूडेंट, मतलब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट, BCA BSc के सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पा पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों जो बैकग्राउंड पे ज़्यादा फोकस किया गया है वो है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI ML, DS, ISE, अगर आप इस बार से होंगे तो आपके सेलेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और इसमें आप लोगों को बाकी दोस्तों चीज़ें सिखाई जाएगी। और अगर आप इसलिए इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको उसका दे दूंगा, जिसके थ्रू आप इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। पर्क्स की बात की जाए दोस्तों तो आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आगे आपको मदद मिल सकती है, ये इन्होंने बता के रखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 3000 लोगों को ये इंटर्नशिप दी जा रही है ना, और 26 फरवरी से 16 अप्रैल के बीच आपको रेडी रहना पड़ेगा। इस पे अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आपको I am not robot पे क्लिक करना होगा दोस्तों, और अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका AICT के पोर्टल पे है ना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और यहाँ पे आपको अपना डिटेल डाल के सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना जो भी स्टूडेंट का अकाउंट होगा
उससे एक बार है ना आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, जिसके थ्रू आप लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जिसके थ्रू आप है ना इसके लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। तो पूरा डिटेल डाल के दोस्तों आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे है ना लॉगिन करके सबमिट कर देना है और इसके बाद आप इसके लिए रजिस्टर्ड हो जाते हैं। बाकी जो डिटेल्स होंगे दोस्तों उसे आपके जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उस पर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा और आपको उसमें बता दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आपको इसका मिस नहीं करना चाहिए, इसका जरूर हिस्सा बनना चाहिए। आई होप आपको है ना ये अपॉर्चुनिटी पसंद आ रही होगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों।